और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची इस समय अपनी बेटी के साथ में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, खुशी के साथ में। लेकिन दोस्तों अब रणबीर भी आखिरकार देखेगा प्राची को और साथ में खुशी को, दोनों को एक साथ, क्योंकि रणबीर को पहले तो वहम हो रहा था लेकिन अब वो क्लियरली बदलता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि बात की जाए तो प्राची को ना जाने क्यों खुशी से जब मिलती है उसे अपनी बिल्कुल बेटी की तरह लगती है और वाकई में अपनी बेटी की तरह ही उससे लाड़ लड़ाती यानी प्यार करती है। इधर बात की जाए तो रणबीर जैसे ही दिखेगा तुरंत ही खुशी बताती हुई नजर आने वाली है प्राची से कि देखो वो अंकल वो रे बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही हैं और मुझे ऐसे लगते हैं, हालांकि मुझे अपने पापा की तो याद नहीं है। क्योंकि खुशी एक बहुत छोटी सी मासूम सी बच्ची है, अब उसको कुछ भी पता नहीं है अपने पहले चीज़ के बारे में कि मैं पहले कहाँ थी कैसे थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि छोटी बच्ची थी जब ही रणबीर और प्राची से जुदा हो गई थी खुशी। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट और उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जल्दी ही रणवीर और प्राची को पता लगने जा रहा है कि खुशी हमारी ही बेटी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर बात की जाए रणवीर की तो रणवीर इस समय और भी ज़्यादा खुश होते हुए तब नजर आएंगे जब वो साग साग देख लेंगे कि ये मेरा बहन नहीं है, प्राची वाकई में है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों इतने समय से सभी लोग ये समझा रहे थे रणवीर को कि रणवीर तुम्हारा बहन है, लेकिन अब रणवीर को क्लियर भी हो चुका है कि ये सभी लोग मेरे से झूठ बोल रहे थे, मेरा तब किसी भी तरीका से कोई बहन है ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने ही अपने पास से इतनी ज़्यादा बातें बनाई हुई हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बातें बनाने में अक्सर लोग एक्सपर्ट होते हैं और रणवीर के साथ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, जी हाँ, मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। आप लोगों को दिल से थैंक यू।